इन दिस क्वेश्चन कहा गया है कि सेट वन की बात करनी है विदाउट कैटलिस्ट. अब टी वन और टी टू यहां पे जो दिया गया है कि टी वन ज्यादा है टी टू से, है ना, और यहां ए टू बी टी वन टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन है और ये के वन है, और ए टू बी टी टू टेम्परेचर है ई ए टू है और ये के टू है. तो लॉग जो भी अगर टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया है, और इस तरह से अपन फॉर्मूला जो देखते हैं कि लॉग के टू ओवर के वन इज इक्वल टू ए बाय 2.303 आर, 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू, है ना. तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को अनचेंज मानते हैं. अब ये टेम्परेचर बढ़ा है तो ये के तो बढ़ना ही चाहिए. जैसे जो अपना टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है, हर 10 डिग्री सी राइज से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है. तो इन दो टेम्परेचर्स पे जो रेशियो होता है वो आपका रेट कॉफिशियंट, ऐसे जो टेम्परेचर कॉफिशियंट जो है वो कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशियंट. तो पॉइंट ये है कि अगर आपने ये बढ़ाया तो ये और ये तो इंक्रीज होना ही है. तो ए ऑप्शन विल बी द आंसर.